गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ तो बच्चों आज आपका सब्जेक्ट है एस तो प्लीज़ ओपन योर एस बुक एंड सी व्हाट वी आर डूइंग टुडे तो आज हमारा लेसन होगा नया लेसन आफ्टर हाफ ईयरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर सेवन द टेम्परेट जोन तो आप भी अपनी बुक ओपन करिए और इसमें देखिए जो आपको पढ़ाया जाए ठीक है लेसन नंबर सेवन पेज नंबर थर्टी तो देखिए वैन वी टॉक अबाउट ग्रास लैंड देट आर ऑल्सो ट्री लेस वी सी सर्च पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट इन विच समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड एंड द रेन फॉल इज ऑल्सो इन लेस क्वान्टिटी वैन वी टॉक अबाउट ग्रास लैंड ग्रास लैंड की जब हम बात करते हैं तो देट आर ऑल्सो ट्री लेस तो ग्रास लैंड क्या होते हैं ट्री लेस होते हैं जहाँ पे क्या है ट्री लेस मतलब ट्रीज जो होते हैं वो कम होते हैं वी सी सर्च पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम ऐसे पार्ट्स को देखते हैं विश्व में दैट एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है एक्सट्रीम होता है इन विच समर्स आर हॉट जैसे कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है एंड विंटर्स आर कोल्ड सर्दियाँ जो होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं एंड द रेनफॉल इज ऑल्सो इन लेस क्वान्टिटी और जो वहाँ पे बरसात होती है वो बहुत ही क्या होती है लेस होती है लेस मतलब कम बहुत ही लेस आ, कम मात्रा में वहाँ पे बरसात होती है बारिश होती है वी फाइंड ओनली टॉल ग्रासेस इन सच रीजन ग्रास लैंड हैव वेरी रिच सॉइल ऐसे जो ग्रास लैंड्स हैं ऐसे जो क्षेत्र है ऐसे रीजन है इन क्षेत्रों में केवल टॉल ग्रासेस ही पाई जाती हैं ग्रास लैंड्स हैव वेरी रिच सॉइल यहाँ की बहुत ही बढ़िया होती है वर्ल्ड फूड और यही कारण है विश्व में जहाँ पे भी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जहाँ भी ग्रास लैंड्स थे वहां पर अब फार्मिंग की जा रही है क्यों इसका एक जो मेन कारण है वो है वहाँ की सॉइल जो वहाँ की उपजाऊ भूमि के कारण वहाँ पे अब क्या की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अब खेती शुरू की जा रही है ट्रीज एंड हाई माउंटेन्स आर हार्डली सीन हेयर ट्रीज एंड हाई माउंटेन्स हार्डली सीन हेयर जो ट्रीज़ हैं और हाई माउंटेंस हैं वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्रीज एंड बुश आर सीन इन वार्म एंड ड्राई प्लेस जो ट्रीज होते हैं और बुशेज होती हैं झाड़ियाँ होती हैं वो वार्म और ड्राई प्लेसेस में देखने को मिलती हैं वेयर देअर इज टू लिटिल रेन फॉर फॉरेस्ट बट एनफ रेन टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम टर्निंग इन टू अर डेजर्ट ट्रीज एंड बुशेज एंड ड्राई प्लेस जैसे कि आपको पता है झाड़ियां और जो ट्रीज uh, होते हैं वो कैसी जगह पे मिलते हैं गर्म और ड्राई प्लेस में वेयर देयर इज टू लिटिल रेन जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है फॉर for फॉरेस्ट जंगलों में जहां बहुत ही कम बारिश होती है बट एनफ रेन टू स्टॉप द लैंड फ्राम टर्निंग इन टू अ डेजर्ट बारिश इतनी हो जाती है कि वो बहुत कम बारिश होती है लेकिन बारिश की मात्रा इतनी होती है कि वो उस जगह को डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता इतनी बारिश हो जाती है बरसात होती है कि वो जो जगह है वो डेजर्ट में चेंज नहीं होती है वो रेगिस्तान नहीं बन जाता है इतनी मात्रा में हो जाती है बारिश कि वो रेगिस्तान में चेंज नहीं होता है ठीक है तो देखिए लोकेशन

एंड फोर्टी डिग्री साउथ एंड फिफ्टी फाइव डिग्री साउथ इन द सदरन हेमिसफेयर नदन हेमिसफेयर में तो ये फोर्टी डिग्री नॉर्थ है और फिफ्टी फाइव डिग्री नॉर्थ है लेकिन सदर हेमिसफेयर में जिसकी लोकेशन है वो फोर्टी डिग्री साउथ है और फिफ्टी फाइव डिग्री साउथ है दीज ग्रास लैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज ये ग्रास लैंड अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाने जाते हैं जैसे कि देखिए द वेरियस ग्रास लैंड्स आर जो जो अलग अलग ग्रास लैंड हैं उनके नाम देखिए फर्स्ट है आपका प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका इनको जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से सेकेंड है आपका स्टेपीज इन रशिया स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं ये रशिया में थर्ड है पेम्पास इन साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में जाना जाता है इनको पेम्पास के नाम से फोर्थ है वेल्ड इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में जाने जाते हैं ये वेल्ड के नाम से फिफ्थ है डाउन इन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है इनको डाउन्स के नाम से तो इनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी नदर्न हेमिसफेयर में ये है फोर्टी डिग्री नॉर्थ और फिफ्टी फाइव डिग्री नॉर्थ सदर्न हेमिसफेयर में फोर्टी डिग्री साउथ फिफ्टी फाइव डिग्री साउथ और जाना जाता है इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ये नाम आपने लर्न करने हैं देख लेते हैं द ग्रास लेंस ऑफ द नदर्न हेमिसफेयर है सदर्न जो नर्दर्न हेमिसफेयर के ग्रास लेंड्स हैं उनमें और सदर्न हेमिसफेयर के ग्रास लैंड में क्या पाया जाता है अंतर पाया जाता है डिफरेंस पाया जाता है द ग्रास लेंस ऑफ द नदर्न हेमिसफेयर जो नदर्न हेमिसफेयर के ग्रास लेंड्स हैं दैट द प्रेरीज एंड द स्टेपीज प्रेरीज और स्टेपीज जो है वो आपके नदर्न हेमिसफेयर में पाए जाते हैं लाई इन हायर लैटिट्यूड्स वो हैं जो आपके प्रेरीज हैं और स्टेपीज हैं वो क्या है हायर लैटिट्यूड वाले ग्रास हैं कंपेयर टू द वन इन द सदर्न हेमिसफेयर अगर हम इनको सदर्न हेमिसफेयर के ग्रास लैंड से कंपेयर करें तो इनमें अंतर पाया जाता है द पेम्पास द वेल्ड एंड द डाउन्स द द क्रॉप्स कैन ओनली बी ग्रोन इन द वार्मर मंथ्स इन द नदन हेमिसफेयर नदन हेमिसफेयर में अगर खेती की जाती है तो वो केवल कब की जाती है वो की जाती है केवल वार्म महीनों में मतलब गर्म महीनों में गर्मियों के दिनों में महीनों में ही वहाँ पे खेती की जाती है क्लाइमेट देख लीजिए द ग्रास लैंड ऑफ द नदर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर एक्सपीरियंस डिफरेंस क्लाइमेट डिफरेंट क्लाइमेट नदरन हैमिस्फेयर नदर और सदर्न हेमिसफेयर में क्लाइमेट क्या है डिफरेंट है अंतर है इन द नदन हेमिसफेयर टेम्परेट ग्रास लैंड्स आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंस इन द नदर्न हेमिसफियर नदर्न हेमस्फियर में टेम्परेट ग्रास लैंड जो ग्रास लैंड हैं वो लोकेटेड कहाँ हैं मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के मिडिल में बीच में स्थित हैं द रीजन हैज हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स तो मिडिल ऑफ कॉन्टिनेंट में स्थित होने के कारण लोकेटेड होने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है गर्मियों में हॉट होत होता है गर्मियों में वहाँ पर हॉट है और सर्दियों में जो होता है वो कोल्ड होता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन हेयर इन विंटर और यही कारण है कि सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होने के कारण ठंडा होने के कारण यहाँ पे जो खेती है वो नहीं होती है द ग्रास लैंड्स इन द सदर्न हेमिसफेयर हाउ एवर लोकेटेड ऑन द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट और जो नदर और जो सदर्न हेमस्फेयर है ग्रास लैंड्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? वो एजेस में किनारे किनारे लोकेटेड हैं वो कॉन्टिनेंट के एजेस में लोकेटेड हैं द क्लाइमेट इन दीज ग्रास लैंड इज मॉडिफाइड बाई सी एंड इज सी uh, समुद्री हवाओं के कारण ही वहाँ का क्लाइमेट क्या है बनता है समर्स आर नॉट सो हॉट एंड विंटर्स आर नॉट सो कूल cool. तो uh, न तो वहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द एयर और यही कारण है कि सदर हेमिसफेयर में पूरे साल क्या होती है खेती हो सकती है या क्रॉप्स को उगाया जा सकता है चिनूक इज़ अ मॉइस्ट वार्म विंड यहाँ पे चलने वाली जो एक मॉइस्ट हवा है मॉइस्ट मतलब नमी वाली जो हवा है वो चलती है उसका नाम है चिनूक ठीक है चिनूक एक वहाँ पे चलने वाली नमी वाली हवा है फ्रॉम द सी इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और जो नमी वाली हवा है वो कहाँ से चलती हैं वो समुद्र से चलने वाली हवाओं से ही उनमें नमी रहती है ठीक है तो अभी मैं आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ा रही हूँ इसके बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आप अभी इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करिएगा उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे